दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। कहते हैं सड़कें मानव जीवन की भाग्य रेखाएं होती हैं, लेकिन यदि किसी इंसान को ये भाग्य रेखाएं नसीब ना हो तो वह क्या करे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब काफी वर्षों तक ग्रामीणों को नहीं मिला, तो लोगों ने पूरा का पूरा गांव ही छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर बस गए। यहाँ बात हो रही है जिला हमीरपुर के गलोड़ तहसील के तहत पड़ती गोइस पंचायत के घोड़ी गांव की। करीब एक दर्जन परिवारों को अपने घर और गली चौबारे इसलिए छोड़कर दूसरी जगह जाकर बसना पड़ा क्योंकि इस गांव में आज तक सड़क सुविधा ही नहीं पहुंच पाई। आज गांव पूरी तरह से वीरान है, अच्छे खासे मकान खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, गांव की उपजाऊ जमीन बंजर होने लगी है। बता दें, ग्रामीणों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक का पैदल सफर जंगल के बीचों बीच तय करना पड़ता था। परिजन रोजाना बच्चों को स्वयं स्कूल पहुंचाते थे और छुट्टी के वक्त भी उन्हें खुद ही बच्चों को लाना पड़ता था। नमस्कार जी, मेरा नाम राजू। हमारी एक समस्या है सड़क की, तो सड़क के कारण हमारे को ये जगह जो अपनी जन्मभूमि यहाँ से छोड़नी पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे वन्य जानवर बहुत हैं और बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। और अगर हमने कोई सामान भी लाना हो तो गलोड़ बाजार है, वहां से कम 2-2.5 किलोमीटर हम अपने सिर के ऊपर लाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस चक्कर में हमने यहाँ से अपनी जन्मभूमि छोड़ के मेड़ में मकान बना लिया है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि कृपया हमारी समस्या का समाधान हो, हमारे को जल्दी से जल्दी सड़क का प्रबंध हो ताकि हम यहाँ पर दोबारा वापस आ जाए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम रमना देवी है। हमारे घर यहाँ घोड़ी घुरवाणी में है। यहाँ रोड की बड़ी समस्या है सड़क की। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं और वो गलोड़ में पढ़ते हैं, तो हम रोज सुबह टीवी में छोड़ने जाते हैं उनको, टीवी से लाएंगे। कभी कभी तो धूप इतनी होती है कि बच्चों से चला भी नहीं जाता है, और छोटी से छोटी चीज भी अगर घर में खत्म हो जाए तो गलोड़ से लानी पड़ती है। इससे पास तो हमें ना मार्केट है, ना बाजार है, ना सड़क की सुविधा है। हम तो यहाँ साइकिल भी नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमारी समस्या का समाधान किया जाए और यहाँ रोड सड़क का प्रबंध किया जाए। नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है। हम यह घोड़ी जरमाई के निवासी हैं। हमारे को एक सड़क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सड़क की बिल्कुल सुविधा नहीं है और पैदल रास्ता भी नहीं है। सड़क ही नहीं है, पैदल रास्ता नहीं है। जो कि पैदल आ जाए बंदा, कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पर। ठीक है, कोई रिश्तेदार नहीं आता है यहाँ पर हमारे से मिलने के लिए, और कोई बीमार शिमार भी हो जाए तो उसको कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता है। आज तक इतनी सरकारें आई, किसी ने हमारे बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। वोट लिया, आगे हो गए, अपना काम किया, अब भाड़ में जाए जनता, कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। ठीक है, हम यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमारे को यहाँ पर सड़क की सुविधा दी जाए और हमारे को अपनी ये जन्मभूमि दोबारा तैयार करनी पड़े। ठीक है, दोबारा इसको बोए, कुछ ना कुछ हाल निकले इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर के साथ गलोड़ से अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट।